हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। और यहाँ पर हम रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और शो के रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो इस चैनल पर। जैसे कि हम जानते हैं कि परसों ही बैड ऑफ ब्लड का शो हुआ है और काफ़ी वो अच्छा शो था। काफ़ी WWE ने इसमें अच्छा डिलीवर करा। उसमें काफ़ी सरप्राइजेस भी थे, जैसे कि उन्होंने क्राउन जूल के बारे में बताया। उन्होंने एक नई चैम्पियनशिप सिर्फ क्राउन जूल के लिए डिज़ाइन करी। गुंथर का सेगमेंट भी अच्छा था और एंड में हमने देखा रॉक ने कितना अच्छा रिटर्न करा। उसके बाद काफ़ी उन्होंने सोशल मीडिया पे अटेंशन तो कर ही लेते हैं जब वो रिटर्न करते हैं। काफ़ी अच्छा उनका फ़ैन बेस है। और हमने रोमन और कोडी टीम अप भी देखा। उसके बाद सबको ये वेट था कि रॉ में अब कैसे स्टोरी लाइन बिल्ट होगी, आगे कैसे जाएगी। तो रो स्टार्ट होती, सबसे पहले CM Punk ने किक ऑफ करा मंडे नाइट रॉ का। वो आते हैं और वो पहले सबसे पहले तो थैंक ही करते हैं अपने फैंस को कि वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनका नेम चैंट करते रहते हैं। उन्होंने पूरा एक प्रो में कट करा और वो यही भी कहते हैं कि मैं वो वहीं खड़े थे एरिना पे जहाँ से एंट्री होती है। और उन्होंने ये बोला कि मैं वहाँ तक भी नहीं जा सकता रिंग तक, क्योंकि तो कह रहे थे मैं ज़्यादा फील नहीं कर पा रहा हूँ। और वो ये भी बोलते हैं कि मैंने मैच रेसल करा है और मैं जीत गया हूँ और फिर भी मेरे को ऐसा, वो कहते हैं फील नहीं हो रहा कि मैं जीत गया। उनके एक एग्जैक्ट वर्ड भी मैं आपको बताऊँगा। वो बोलते हैं आई एम अलाइव बट इट डजेंट फील लाइक इट, आई एम अ विनर बट आई डोंट फील लाइक इट। तो ऐसा पंक ने बोला। और वो बोलते हैं कि अभी उनको नहीं पता अपने फ्यूचर का कि वो कब वापसी आएंगे। तो वो यही बोलते हैं कि बस वो अपने फैंस को थैंक यू कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे सेथ रॉलिंस का भी थीम सॉन्ग प्ले होता है और सेथ रॉलिंस आते हैं वहीं पे, एरिना पे खड़े होते हैं CM Punk भी। और वो एक तरह से देखते हैं दूसरे को, फिर सेथ रॉलिंस थोड़ा शोल्डर पे मारते हुए CM Punk के आगे चले जाते हैं और वो रिंग में जाते हैं। सेथ रॉलिंस वो भी अपना एक प्रोमो शुरू करते हैं जिसमें वो पहले बैड ऑफ ब्लड के बारे में बात करते हैं कि कैसा इवेंट रहा, वो मैच के बारे में बात करते हैं। CM Punk को बोलते हैं कि जैसे तेरी रिकवरी होगी तो मेरे को फेस करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। वो CM Punk को ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद वो रॉक का भी बताते हैं कि रॉक ने भी रिटर्न कर लिया। उसके बाद भी ऑडियंस वहाँ बूई कर रही होती है, चेयर नहीं कर रही होती रॉक के नेम पर। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मैं अपने असली बिजनेस पर आता हूँ। फिर वो ब्रॉन्सन रीड को एड्रेस करते हैं। ब्रॉन्सन रीड को बोलते हैं कि आज वो यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद वो कैमरे में बिल्कुल देख के एक पैशनेट प्रोमो कट करते हैं कि मुझे पता है तो यहाँ नहीं है लेकिन मुझे पता है तो मुझे सुन रहा है। तो वहाँ पर बोलते हैं कि मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ मैच के लिए, जगह तू बता, टाइम तू बता और मैं तेरे को फेस करूँगा। तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी ऐसे बिल्ड करी। उसके बाद वहाँ से तरोलन जाने वाले होते हैं, उससे पहले वहाँ जे उस आ जाते हैं। उनका म्यूज़िक हिट होता है जे उस का। जे उस भी वहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री लेते हैं। उनकी एंट्री आपको पता ही कितनी अच्छी होती है, हीट की ऑडियंस भी सब कर रही होती है। जे ओस और सेथ रॉलिंस का भी एक फेस टू फेस कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ से सेथ रॉलिंस बहुत जल्दी फिर चले जाते हैं। और वहाँ पर जे ओस अपने मैच के लिए आए थे जो उनका जेवियर वुड के साथ मैच था। वहाँ पे फिर जेवियर वुड की भी एंट्री होती है और फिर मैच स्टार्ट होता है इनका। ठीक ठाक मैच तो ज़्यादा लंबा WWE ने इससे मैच को किया नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये 12 साल में आज पहली बार हुआ है कि WWE का शो जो है वो 2 घंटे का था रॉक का, क्योंकि हम इतने सालों से 3 घंटे का शो देख रहे हैं और WWE के पास टाइम भी कम था, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी चीज़ों कर रहे थे। मैच भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखा तो 2 घंटे का शो था। काफ़ी शॉर्ट शो लगा, जैसे स्मैकडाउन वाली भाई भाई शो को देख के कि जैसे स्मैकडाउन का शो होता है छोटा, तो काफ़ी कम लगा जो का शो क्योंकि वही 3 घंटे की आदत है। तो उसके बाद भी ज़्यादा मैच बड़ा नहीं था। जे उस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन है, उन्होंने बीट करा है ब्रॉन ब्रेकर को। उन्होंने काफ़ी इसलिए अपनी सुपर किक मार के स्लैश मार के मैच ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो हाथ में मिलाना चाह रहे होते हैं जेवियर वुड से, लेकिन वहाँ पे जेवियर वुड हाथ में मिलाते हैं और कॉफ़ी भी वहाँ पे जाने लग जाते हैं। फिर अपना जे ओस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वहाँ पर, लेकिन अचानक से वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आके उनको पीछे से स्पीयर मार देते हैं। और लास्ट वीक जैसे हमने देखा था कि ब्रॉन ब्रेकर ने आकर रिस्पेक्ट दिखाई थी, तो लग नहीं रहा था कि इनकी स्टोरी लाइन अभी आगे चलेगी। और लेकिन इनकी स्टोरी लाइन भी बिल्ड कर रहे हैं WWE कुछ ना कुछ। उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं वो कॉफ़ी और जेवियर वुड वहीं पर होते हैं जहाँ से एंट्री होती है, वहीं खड़े रहते हैं। तो कॉफ़ी उन्हें बोलते हैं जेवियर वुड से कि हमें जाके बचाना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वहाँ जेवियर वुड इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। तो उसके बाद फिर कॉफ़ी किंगस्टन सीधा जाते हैं रिंग के अंदर, वो सेव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और उल्टा उनको ही ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर लगा दिया। उसके बाद वो कॉफ़ी किंगस्टन को जेवियर वुड बाहर खींच लेते रिंग से, वहीं पर खड़े रहते हैं वो रिंग साइड। तो पूरा ब्रॉन ब्रेकर जो घूम के अपना स्पीयर मारते हैं, बहुत तेज भागते हुए आते हैं। फिर वहाँ से भागते हुए आते हैं, फिर जेवियर वुड का बहुत तेज़ वो स्पीयर लगाते हैं, वो जो वहाँ स्टील स्टेप्स लगे होते हैं वहाँ जाके गिरते हैं जेवियर वुड। उसके बाद वो वापसी रिंग में जाते हैं और एक वो स्पीयर जो होता है जो रोप से भागते हुए वो लगाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक स्पीयर लगाया ब्रॉन ब्रेकर ने जे उस को, फिर वो वहाँ से जाते हैं। बैक स्टेज हमने एक इंटरव्यू भी देखा, उसमें वो पूछती है कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने लास्ट वीक कॉन्ग्रेचुलेट किया था, लेकिन उस पर वो ब्रॉन ब्रेकर को जवाब नहीं देते, वहाँ से चले जाते हैं।
तो ये पूरा सेगमेंट बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा WWE ने बुक करा। उसके बाद शीमस और पीट डन का मैच देखने को मिलता है, जो कि लास्ट वीक से WWE फीचर कर रही थी। इनके भी स्टोरी लाइन काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इनका मैच भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी स्पेकुलेशन थी इस मैच में, जिसको WWE बोल के बुक कर रही थी, फैस्ट एंड डनी ब्रुक मैच करके कर रही थी, जिसमें ड्रम्स भी थे और भी हमने बैट भी देखा। काफ़ी चीज़ें इसमें अलग अलग टाइप की थी। अच्छा ही पेस में मैच शुरू होता है, उसके बाद एक स्पॉट देखते हैं हम जहाँ पे नीचे टेबल लगी हुई होती है और ड्रम्स रखे होते हैं। ड्रम्स में से ऊपर से सीमस वाइट नॉइज़ लगाते हैं टेबल के ऊपर, और वहाँ पे भी होली शिट के भी चैंट हो रहे थे। उसके बाद हम क्रिकेट बैट का भी यूज़ कर देखते हैं, पीट डन ने क्रिकेट बैट से मारा शीमस को, लेकिन उस पर विकेट का आउट हो जाता है। उसके बाद वो एक जिप से ना टाई कर देते हैं शीमस के हाथ दोनों पीछे, पीट डन। उसके बाद वो शीमस पे नी भी मारते हैं शीमस के मूवी के ऊपर उसके ऊपर, लेकिन शीमस की आउट कर देते हैं। और लग रहा होता है यहाँ से मैच कैसे जाएगा, क्या जाएगा, शीमस के तो हाथ बंधे हैं। लेकिन स्टिल शीमस उठने पहले अपनी वो नी लगाते हैं जो फेस के ऊपर लगाते हैं, उसके बाद उसी वो बंधे हाथों से ब्रोक किक भी लगाते हैं पीट डन को, और फिर उसके बाद वो ऐसे किक आउट कर देते हैं और यहाँ 1 2 3 हो जाता है और जीत जाते हैं शीमस। उसके बाद रेफरी उनका हाथ भी खोलता है। तो अच्छा मैच था ये शो का, काफ़ी अच्छी हाईलाइट थी, काफ़ी बड़ा मैच था। उसके बाद 10 वुमन का टैग टीम मैच भी होता है, और इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एक फिलर की तरह लगा, जिसमें नताली की टीम थी, गाइडेंस चार्टर थी, कटाना चैंस थी, इनका टीम अप होता है अगेंस्ट जो स्टार के वो। तो इनका सिंपल सा मैच था, कोई लंबा चौड़ा मैच नहीं था, नतालिया की टीम जीत गई और बस ऐसे ही फिलर की तरह था एक। उसके बाद मेन इवेंट की बात हो रही होती है, तो हम कोडी रोड्स को भी देखते हैं शो के ऊपर, उनका भी इंटरव्यू होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर बस सिर्फ देखना आया हूँ जो मेरा अपोनेंट कौन होगा क्राउन जुवेल के लिए, तो मैं बस उस ले आया हूँ यहाँ पे। तो वो किसी कभी कुछ भी बातों का जवाब नहीं देते बैट ऑफ ब्लड के बाद। वो कहते हैं मैं स्मैकडाउन में बताऊँगा। सैमी जेन भी उनसे बैक स्टेज मिलते हैं मैच से पहले, तो सैमी जेन कहते हैं कि जो। उसके बाद ये मैच शुरू होता है इस प्रोमो के बाद, जो कोडी रोड्स का प्रोमो होता है बैक स्टेज। उसके बाद सैमी जेन की एंट्री होती है पहले, फिर गुंथर की होती है, उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। ज़्यादा लंबा मैच नहीं था, 10 या 12 मिनट का मैच था बस ये, और अच्छी पेस पे मैच स्टार्ट होता है। दोनों फिनिशर एक दूसरे को मारते हैं, अटैक्स मारते हैं अपने। सैमी जेन की ग्लोरो किक भी आती है, उस पर किक आउट हो जाता है। एक मोमेंट ये भी आता है जब सैमी जेन के पावर बम पड़ता है, तो ऐसा लगता है हाँ वहाँ मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन सैमी जेन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा मूव आता है इस मैच का स्पॉट आता है, वो फिर से एक बार सैमी जेन को पावर बम लगाते हैं गुंथर, और ऐसे लगता है सबको कि अब 2 बार फिनिशर पड़ चुका है तो मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन सैमी जेन 1 पे किक आउट कर देते हैं। लिटरली वो 1 पे किक आउट कर देते हैं 1 पे, और वहाँ पे रेफरी भी हैरान होता है, कमेंटेटर्स भी, पूरा ऑडियंस रिएक्शन भी बहुत अच्छा आता है वहाँ पे फैंस का कि सैमी जेन ने 1 पे किक आउट कर दिया। और वहाँ पे आप गुंथर का फेस भी देखना, मैच जाकर देखना, वहाँ गुंथर भी बहुत हैरान परेशान होते हैं, वो पीछे रोप पे जाके बैठ जाते हैं सेकंड वाली पे। सैमी जेन भी होता है एक फेस पे एग्रेशन होता है कि नहीं मैं हारूंगा नहीं, उसके बाद वो पीछे से आके सैमी जेन को, सैमी जेन ऐसे बैठे रहते हैं एग्रेशन में, पीछे से आके सैमी जेन को पकड़ लेते हैं, अपने सबमिशन में डाल देते हैं, सबमिशन में डाल देते हैं जैसे उन्होंने रैंडी ऑर्टन को डाला था। उसके बाद सैमी जेन कोशिश भी करते हैं रोप पकड़ने की, ट्राई भी करते हैं, लेकिन फिर एंड में पास आउट हो जाते हैं और फिर मैच यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी 1 मिनट बचा था, तो गुंथर वापस जा रहे होते हैं रैंप पे, तो वहाँ पे रैंप पे फिर कोडी रोड्स की एंट्री होती है, और फिर इनका छोटा सा फेस टू फेस था इसलिए कोडी रोड्स का फीचर किया गया था रॉ के ऊपर कि इनका एंड में फेस टू फेस करवा दिया जाए। तो वहाँ पर वो भी एक थोड़ा कूल मूवमेंट था वहाँ पर, जब कोडी रोड्स और गुंथर खड़े हुए थे तो वहाँ दोनों टाइटल ही होते हैं। ज़्यादा मेरे को बेटर वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप ही लगती है, यूनिवर्सल भी अच्छी है, लेकिन वहाँ जो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप है गुंथर की, वो ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन लगता है। उसके बाद ऐसे ही अफेयर चले जाता है शो, तो यही था बस। और रॉको शो पर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स देखते हैं रेसलिंग उनको शेयर भी कीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं ऐसे अपडेट देता रहूँ आपको रेसलिंग से रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी न्यू वीडियो की, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।